अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल बर्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सीज़न स्टार्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलियन नस्ल का। ऑल ऑस्ट्रेलियन नस्ल जो होती है, बजरी, रेड आइज, एग्जीबिशन वगैरह, तो इनका सीज़न स्टार्ट होने वाला है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है, तो इस मौसम में अक्सर परिंदों को जो है ना वो मोशन का मसला बन जाता है। ज़्यादा दोस्त मुझे पूछ रहे थे कानूनी अगर लगी हो तो उनको, एक को अगर मसला हो तो ऐसा ऐसा फैलता फैलता सबको मसला बन जाता है बर्ड्स को। तो इस मसले से दोस्तों बर्ड जो हैं वो आपके वीक होने लग जाते हैं। वीक होने की वजह से बाज़ दफ़ा बर्ड जो हैं वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बर्ड को मोशन लगते हैं उनका एक बेहतरीन इलाज बताऊँगा। बहुत आसान सा इलाज है, उससे आपके बर्ड जो है ना वो मोशन उनके जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ज़्यादा मसला मोशन में का बन जाता है जब बर्ड्स को ज़्यादा लूज मोशन होते हैं तो वो कमज़ोर होने लग जाता है, खाता पीता भी कम है, तो इसलिए वो वीकनेस की वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने बहुत आसान सा हल है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आपने ये एक सिरप लेना है, इसका नाम है फ्लैजल सिरप। ये आप फ्लैजल सिरप मेडिकल से आपको बआसानी मिल जाएगा। ये आपने एक लेकर आना है दोस्तों। आपने बर्ड्स को सबसे पहले चेक करना है, जब भी आपका बर्ड बीमार हो आपने उसको हाथ में पकड़ना है। पकड़ के जब उसको घुमाएंगे, उल्टा करेंगे, तो उसके पूंछ के नीचे वाली जगह देखनी है आपने। अगर उसकी गीली होगी तो उसको मोशन जो है ना वो लगे हुए होंगे, तो आपने ये चीज़ चेक करनी है। अगर आपको बर्ड्स को ज़्यादा मोशन होंगे तो ज़्यादा आपकी वो बर्ड्स की पूंछ भी गीली होगी। तो आपने क्या करना है कि ये फ्लैजल सिरप लेकर आना है। अगर आपके बर्ड को हल्के मोशन है, थोड़े थोड़े लग रहे हैं या स्टार्टअप में है, तो आपने उसको एक चम्मच एक लीटर के अंदर मिक्स करके देनी है। अगर उसको ज़्यादा मोशन है तो आपने आधे लीटर के अंदर एक चम्मच जो है ना वो सुबह सुबह उसको, रात को पानी निकाल देना है और सुबह उसको एक चम्मच आधे लीटर में, अगर ज़्यादा मोशन है, अगर कम है तो फिर एक लीटर में एक चम्मच। तो इस तरह आप एक दो दिन उसे लगातार दें जब तक कि उसके मोशन ठीक ना हो जाएं। तो उसके बाद उसको आप नरम गिज़ा दें, थोड़ी सी पालक दें, लूसन वगैरह दें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना वो रूटीन लेबल खुराक दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।